नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। थंबनेल आपने देख लिया होगा, ओमिक्रॉन आ गया है जो कि कोरोना का ही एक वेरिएंट है जो कि कोरोना से भी ज़्यादा ख़राब है। और जो आप इस समय सिचुएशन देखेंगे इंडिया की, वो काफ़ी अच्छी नहीं है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिचुएशन है। दिल्ली में बोलूँ तो जो वीकेंड कर्फ्यू वो चालू हो चुका है, आपके स्टेट में क्या है नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ साथ फिर से मन में वही सवाल आने लग गए होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड कि अब क्या होगा। ऑनलाइन तो चीज़ें चालू ही हैं, बट जो दिल्ली की अगर मैं बात करूं, जो रेस्टोरेंट और हमारे जो रेस्टोरेंट्स होते थे या होटल्स होते थे, डाइनिंग करना अभी यहां पे बंद है। आप अगर इसे कंपेयर करेंगे पिछले साल से, फिर से वही सिचुएशन आने लगी है और सबके मन में वही विचार आने लग गए हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या होटल इंडस्ट्री को छोड़ देना चाहिए, हमें फिर से एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या हमारी नौकरी चली जाएगी, हम नई जॉब हमें कैसे मिलेगी, जॉब चली गई है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। फेसबुक पे कई सारी पोस्ट आ जाएंगी कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, पर ये सारी चीज़ों को अगर आप एक साइड रख दें और अगर हम लोग पिछले एक साल को देखें कि हमने खुद अपने अंदर क्या किया है। मैं कुछ यहाँ पे आपको मैसेजेस लगाने वाला हूँ जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप वगैरह पे आते हैं, और ये भी वही लोग हैं जो कि सेम सिचुएशन में थे। इवन मैं भी उस समय सेम ही सिचुएशन में था। अब यहाँ पे एक शेफ़ हैं जो कि इस समय एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन गए हैं, एक कौमी वन था जो कि अब एक हेड शेफ़ बन गया है, यहाँ पे एक स्टूडेंट था जो कि फ्रेशर है, उसके अभी इंटरव्यूज़ हैं। तो ये देखेंगे अलग अलग प्रकार के लोग हैं, ये भी वही लोग थे जो कि हमारी तरह पिछले साल थे। पर इन लोगों में और उन लोगों में यही फ़र्क था कि वो सिर्फ बोल रहे थे कि भाई ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, होटल इंडस्ट्री ख़राब है। पर ये लोग जिनके मैसेज हैं, या ऐसे हज़ारों लोग, क्योंकि देखने वाले मुझे हज़ारों हैं, वो लोग काम कर रहे थे अपनी स्किल्स के ऊपर। ये लोग नई किताबें पढ़ रहे थे, इंग्लिश सीख रहे थे, अपने जो बेसिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, ठीक है जी, ये अपने रिज्यूम्स पे काम कर रहे थे, ये अपने नए नए कनेक्शंस बना रहे थे, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और इस समय ये सिचुएशन, ये करंट मैसेज है, लगभग 2 या 3 दिन पुराने ही मैसेज है, कोई बहुत ज़्यादा पुराने मैसेज नहीं है। पर वही लोग जो सिर्फ ये बोल रहे थे होटल इंडस्ट्री ख़राब है, ये है वो है, ठीक है जी, और जिनका कभी सपना था कि मुझे एक बहुत बड़ा शेफ़ बनना है, वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, वो वीडियो देख रहे थे, नेटफ्लिक्स देख रहे थे, क्रिकेट मैच देख रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, या फिर कोई गेम खेल रहे होंगे, या व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के टाइम पास कर रहे होंगे, और वो लोग सिर्फ यही कर रहे थे। पर वहीं अगर आप लोग इस समय फिर से वही सोच रहे हो, तो मेरी सलाह यही है कि आप लोगों को अपने ऊपर काम करना है। क्या होगा नहीं होगा किसे नहीं मालूम, नोबडी नोज द फ्यूचर, पर इस समय भी और जब तक ये दुनिया चलेगी, इस दुनिया में पैसा है, आपको कमाना आना चाहिए, इस दुनिया में नौकरी है, आपको पानी आनी चाहिए, और आप अगर उस चीज़ के हकदार हैं तो आपसे वो चीज़ कभी कोई नहीं छीन सकता। जी हाँ, अगर आप उस चीज़ के हकदार हैं, आपसे कोई भी वो चीज़ नहीं छीन सकता है, बशर्ते आप वो सारी क्राइटेरियाज़ पूरे करें। तो मेरा तो यही मानना है, चाहे अगर आप मुझे भी देखेंगे, मैंने 2021 में बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। मुझे लगता है कि 2021 मेरा सबसे गोल्डन ईयर रहेगा मेरे लिए, खुद के लिए। मैं अगर मैं अपनी बात करूं, चाहे वो मॉनेटरी वाइज हो, सीखने के वाइज हो, या लोगों तक पहुंचने के हो, तो वही सेम चीज़ आप लोगों के ऊपर ही है। आपको लगता है कि भाई सिचुएशन सेम हो रही है, नौकरी चली गई है, घर में बैठे हैं, और आप लोग ब्लेस्ड हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने घर के अंदर कंबल में बैठ के, ठंडी का समय चल रहा है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, ये ना सोचते हुए कि आगे क्या होगा, आप अपने ऊपर काम कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, कंप्यूटर सीखिए, इंग्लिश सीखिए, ठीक है जी, जर्मन सीखिए, जर्मन भी हम लोग अभी सिखाने वाले हैं चैनल के ऊपर, ठीक है जी, इन सब के ऊपर काम कीजिए, और आप देखेंगे कि जो आप करने की सोच रहे थे, चाहे एक नौकरी पाने की सोच रहे थे, एक बिज़नेस करने की सोच रहे थे, आप उस चीज़ में सक्सीड हो जाओगे। मैं यही कर रहा हूँ, मैं यही फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, और मैं आपको भी यही बात बता रहा हूँ। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट नाउ, एक्ट नाउ, अभी स्टार्ट कीजिएगा, और आप देखेंगे आपको नौकरी भी मिल जाएगी, आपके साथ जो भी आप सोच रहे थे वो ज़रूर होगा। जय हिंद।